दोस्तों, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध लोक गायक गोफेलाल गेंदले। दोस्तों, वैसे तो ये कलयुग है और यहाँ किसी की भी मदद करने से पहले एक बार जरूर सोच लेना चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में प्रसिद्ध लोक गायक गोफेलाल गेंदले को एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उसने अपने एक साथी के साथ मिलकर एक युवक को पत्थर से कुचल दिया और शव को निर्माणाधीन पुल से नीचे फेंक दिया। मरने वाला युवक लोक गायक का क्राइम पार्टनर था। वह चोरी के आरोप में जेल गया और वापस आने के बाद अपना हिस्सा मांग रहा था। साइबर सेल की मदद से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा। युवक जहां मिला था उस क्षेत्र का मोबाइल लोकेशन खंगाला गया, तब गोफेलाल का मोबाइल भी साथ ही ट्रेवल कर रहा था। पुलिस ने गायक गोफेलाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तब मामले का खुलासा हो गया। आरोपी ने हत्या की बात स्वीकार कर ली है। मामला जरहा गांव थाना क्षेत्र का है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 21 जुलाई को धर्मपुरा से दसरंगपुर के बीच में नेशनल हाईवे 130 पर एक घायल युवक मिला। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उसकी मौत हो गई। शव की शिनाख्त 22 जुलाई को बेमेतरा के नवागढ़ क्षेत्र हरिहरपुर निवासी राजकुमार पात्रे के रूप में हुई। पुलिस को जांच में पता चला कि 6 माह पहले हरिहरपुर निवासी लोक गायक गोफेलाल गेंदले ने एक चोरी का ट्रैक्टर खरीदा था। इस पर राजकुमार ने आरोप अपने ऊपर ले लिया और जेल चला गया। जेल से छूटने के बाद राजकुमार तय डील के हिसाब से अपने पैसे और गाड़ी मांग रहा था। पुलिस के पूछताछ में गोफेलाल ने बताया कि राजकुमार को जेल जाने पर बाइक और रुपए देने का वादा किया था। जेल से छूटने के बाद वह बाइक और रुपए की डिमांड करने लगा। राजकुमार द्वारा बार बार दबाव बनाने पर उसकी हत्या की साजिश रची गई। 20 जुलाई को अपने साथी मनीष अनंत टेमरी गांव निवासी देवचरण और राजकुमार के साथ बैठकर सबने शराब पी और कार में बैठकर सभी धर्मपुरा दसरंगपुर नेशनल हाईवे की तरफ चले गए। सड़क पर गाड़ी खड़ी कर राजकुमार से रुपए व गाड़ी मांगने की बात पर विवाद हुआ। यह देखकर देवचरण डरकर भाग गया। इसके बाद राजकुमार को पत्थर से कुचल दिया और उसे मरा हुआ समझकर मनीष के साथ मिलकर सड़क किनारे एक नाली में फेंक दिया गया। दूसरा आरोपी मनीष घटना से अब तक फरार है। दोस्तों, जिस दोस्त ने एक समय पर उसकी मदद की थी उसी ने उसका मर्डर कर दिया और इतनी बेरहमी से कर दिया कि उसका सकल सूरत भी पहचान में नहीं आ रहा था। दोस्तों, ये घटना एक बार फिर दोस्ती के रिश्ते पर एक शक पैदा करता है और किसी पे भरोसा ना करने का एक संकेत देता है।